सिग्रास्त सेंट मरियम स्कूल में परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन हुआ। सिग्रास्त सेंट मरियम स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निदेशिका माधवी श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। वहीं नर्सरी से कक्षा 8 तक के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान निदेशिका ने सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, छात्र छात्राएं व अभिभावकगण उपस्थित रहे। ये तो सभी पेरेंट्स के लिए ही ये एक प्राउड मोमेंट होता है, तो मेरे लिए भी ये प्राउड मोमेंट है। और मेरा बच्चा इस समय क्लास 1 में है और नो डाउट ये खुद इतना एक्साइटेड है कि इसको देख करके हमको भी खुशी हो रही है कि इसकी मेहनत रिजल्ट रंग ला रही है। इस कोरोना काल के वेव में जब स्कूल बंद था, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में स्कूल का कितना सहयोग रहा, क्या रहा? देखिए, ये विन विन सिचुएशन होता है। गार्जियन की जितनी अकाउंटेबिलिटी है उतनी ही स्कूल की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। और हमें लगता है कि ये दोनों तरफ से ही सहयोग रहा, स्कूल का भी सहयोग रहा और गार्जियन का भी अवेयरनेस रहा, इसलिए दोनों तरफ से ये सक्सेसफुल रहा। इसी का नतीजा ये रिजल्ट के रूप में आया है। दर्शना फर्स्ट आई, कैसा लग रहा है बेटा, क्या कहना चाहोगी? बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें टीचरों का बहुत ही सहयोग है और मेरा भी सहयोग है, सबका सहयोग है, सबके कृपा से मेरा बच्चा आज फर्स्ट डिवीजन आया है। जैसे पिछले साल कोरोना काल में बहुत से पेरेंट्स को दिक्कत हुई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, इस तरह की कोई परेशानियों के लिए किस तरह का हाँ परेशानी तो बहुत आई, लेकिन इसमें टीचरों की बहुत ज़्यादा सहयोग था। टीचर ने बार बार मतलब हर समय सहयोग किया और मोबाइल के चलते, मोबाइल के जरिए हम लोग का मतलब बच्चे का पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। सर, मैं यहाँ से प्री नर्सरी से पढ़ रही हूँ और जब से मैं पढ़ रही हूँ सेंट मरियम स्कूल बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है। चाहे कोरोना चल रहा था फर्स्ट सेकेंड वेव में, इन्होंने बहुत हेल्प किया था स्टूडेंट्स का, चाहे टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, बट रेगुलर क्लास, मेंटेनिंग रूल्स यहाँ का बहुत अच्छा है। सर थैंक यू। सर अच्छा है, मेरी लड़की शुरू से यहीं पढ़ी है और आगे भी यहीं पढ़ाएंगे। स्कूल का किस तरह का सहयोग होता है हमेशा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में? टीचरें यहाँ के सब सही है सर, और ऑफलाइन में भी जब स्कूल बंद था तभी भी क्लास चलती थी, ऑनलाइन क्लास होती थी।